अब रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला के निजी अंग पर पहुंचाई गई चोट। सूचना मिलते ही हरकत में आई दुर्ग पुलिस। बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं। तत्काल गिरफ्त में आया मारपीट का आरोपी। कादंबरी नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहा है, जहां महिला के नए कानून की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। के साथ मारपीट और कुछ गलत कृत्य हुए, तो उसमें महिला मतलब ये घटना कादंबरी नगर एक माँ की फैक्ट्री की है, और उसमें आरोपी है रवि शर्मा, और उसको रात को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पोलसाय पारा का रहने वाला है व्यक्ति, और इसमें सभी एविडेंस कलेक्ट करके जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, वो जो भी उचित होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें थाना मोहन नगर में ही एफआईआर की गई है। उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 333, 64, 351 और 296 के तहत एफआईआर की गई। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां महिला के निजी अंग पर चोट पहुंचाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से। जी सुबोध जी, महिला के निजी अंग पर चोट पहुंचाई गई है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? मधु जी, बड़ी बात है, ये कादंबरी नगर की एक फैक्ट्री की घटना है, और कल दोपहर हुआ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। किसी विवाद पर 60 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की गई, साथ ही उसके निजी अंग पर भी वार किया गया, जिससे उसे गहरी चोटें आई। उसे तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर एमएलसी हुई तब पता चला कि मोहन नगर थाना क्षेत्र की घटना है, और पुलिस तत्काल हरकत में आई और उन्होंने आरोपी रवि शर्मा को, जो कि पोलसायपारा निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको बताते हैं, जहां महिला के निजी अंग पर चोट पहुंचाई गई है। सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस हरकत में आई है।